रायसेन जिले की उदयपुरा बैरास नर्मदा घाट पर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संत परमहंस श्रीराम बाबा ने 108 साल की उम्र में देह त्याग दिया। श्रीराम बाबा को उनके परम संतों और शिष्यों ने नर्मदा नदी में जल में समाधि दी। हजारों भक्त उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह राजपूत, पूर्व बरेली कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल गडरवास, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन आश्रम पहुंचे। वो तो महाराज श्री के साथ में भी हम थे, जब उन्होंने स्वर्ण जयंती मनाया था तो शोभा के साथ में उन्होंने याद किया था, साथ साथ में बैठने पड़ा था मुझे भी। तो वो तो इस उदयपुरा तहसील रायसेन जिला आसपास के, जैसे मान लो नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ये दो तीन चार जिले के तो मान लो वो प्राण थे। ये तो हम लोगों ने भी अनुभव किए, 20 साल से मैं महाराज जी के दर्शन करता रहा हूँ। तो श्रीराम बाबा के न रहने से हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे हमसे बहुत कुछ चला गया है। तो अच्छा है, भक्तों का सबके अच्छी स्मृति है और उनके प्रति श्रद्धांजलि भी अपने करना है। आज से 16वां दिन कार्यक्रम भी होना है, उसमें भी आप लोग सब लोग पधारें, जो कोई भी मतलब उनके महाराज जी के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। वो तो एक अच्छे सिद्ध संत थे इस क्षेत्र के, तो हमारे तो मान लो मार्गदर्शक थे। उनका शरीर रहा नहीं, अब चलो बड़ी बढ़िया है। तो आप लोग बढ़िया प्रचार प्रसार करिए उनके विषय। कल उन्होंने देह त्याग की और इस क्षेत्र में नर्मदा क्षेत्र में, चूंकि उनका बहुत बड़ा नाम था पक्कड़ बाबा, उनका इस प्रकार इस क्षेत्र पर कमी पूरी हुई। ये निश्चित रूप से आज सभी भक्तजनों के लिए बड़ा दुखद दिन है कि हमारे गुरुदेव परमहंस श्री 1008 श्री राम बाबा जी ने अपने देह त्याग करके देवलोक गमन किया। निश्चित रूप से सभी भक्त मंडल के लिए, नर्मदा क्षेत्र में रहने वाले भक्तजनों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ा आघात है। उनका आशीर्वाद सभी भक्तजनों को मिलता था, उनके ज्ञान तो हमको प्राप्त होता ही था, साथ में आशीर्वाद उनका इतना अद्भुत था कि गरीबों से प्रेम करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि जब तक टपरिया रहती थी तो प्रेम करते थे, जाते थे, जब अटरिया बन जाती थी तो फिर दूसरी टपरिया में जाते थे, तो टपरिया वाले भक्तों को भी अटरिया वाला बना देते थे। ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद था। निसंदेह उनके जाने से हमारे क्षेत्र को, एक आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ी हानि हुई है। उन सभी भक्त मंडल की ओर से उनको 10 मन समर्पित।